जय शिव शंभू। आपका अघोरी बाबा की अघोरी शक्ति मंत्र और टोटके के अंदर आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी जो भी आने वाली नई वीडियो की आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द प्राप्त हो सकेगी। तो इसी के साथ हम आपको दो लोशन से दो लोगों के बीच के अंदर लड़ाई कराने का आसान टोटका। अगर आप अपने दुश्मन से काफ़ी परेशान हो गए हो, आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, तो दो लोगों के बीच में लड़ाई कराने का बहुत आसान टोटका है ये। आप घर बैठे ये टोटका कर सकते हो। किसी सामग्री की आपको इतनी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सिर्फ दो लोशन और एक सुई, इन चीज़ों की आपको तीन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी और इसी के तहत ही आपका टोटका सिद्ध हो सकता है। तो मेरी जानकारी के मुताबिक आपको मेरी वीडियो अंत तक पूरी देखें ताकि आपको सारी जानकारी मेरी मिल जाए आपको वीडियो के अंदर, ताकि और किसी चीज़ की आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप मेरी वीडियो पूरी नहीं देखोगे फिर आपको काफ़ी सारी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि अब मैं वीडियो के अंदर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देता हूँ जिसके मुताबिक आप कई बार भूल जाते हो, जिसके मुताबिक आप सही नहीं कर पाते हो, जिसके चलते आपका टोटका सही नहीं होता है। तो ये टोटका बहुत शक्तिशाली पावरफुल टोटका है, परंतु एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, कभी भी किसी वक्त इसका गलत चीज़ में उपाय नहीं लेना है, क्योंकि ये टोटका एक बार सिद्ध हो गया तो हो गया, क्योंकि यह गौरी बाबा का टोटका है। ऐसे महत्वपूर्ण हज़ारों लोगों ने उसका फ़ायदा उठाया है और आप भी उठाए, परंतु गलत चीज़ में बिल्कुल से भी नहीं उठाना है। घरेलू उपाय है दो लोगों के बीच के अंदर टोटका, घर बैठे आप कर सकते हो इसका, किसी चीज़ की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सिर्फ दो लोशन और एक सुई। तो मित्रों इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं टोटका का किस तरीके से आपको उपाय करना है। सबसे पहले आपको एक लेनी है वाइट रुमाल, वाइट रुमाल लेने के साथ में लेने हैं दो लोशन, लोशन लेने के एक चीज़ सुई, आपको साथ में तीन चीज़ों की आपको आवश्यकता पड़ेगी, वाइट रुमाल, दो लोशन और एक सुई। इन तीन चीज़ों की आपको आवश्यकता पड़ेगी जिसके अनुसार आपका टोटका सिद्ध होगा, ठीक है मित्रों। तो इसी के साथ आपको टोटका सिद्ध करने से पहले क्या चीज़ करनी है, आपको एक लेनी है वाइट रुमाल के साथ में दो लोशन को, वाइट रुमाल के अंदर दो गांठ बांध कर लोशन को रुमाल के ऊपर ढक कर फिर दो गांठ लगा देनी है। उसी के साथ आपको मैं जो मंत्र बताऊंगा, मेरे मंत्र ध्यान से सुन कर आपको ये मंत्र का करीबन आपको 108 बार जाप करना है, जब ही जाके ये टोटका सिद्ध होगा। तो मंत्र कुछ इस प्रकार का है, ओम क्रीम क्रीम, ओम क्रीम क्रीम, इस मंत्र को आपको 108 बार जाप करना है। फिर उस व्यक्ति का आपका उन दोनों व्यक्तियों का नाम लेना है, कितनी बार, 108 बार मंत्र के साथ। फिर आपको क्या करना है, गांठ को खोल देनी है। फिर आपको सुई लेने के साथ में आपको दोनों लोशन के अंदर सुई को एक साथ डालकर बीच के से फिर ऐसी जगह देखनी है जहां सुनसान सी जगह होनी चाहिए। सुनसान सी जगह पर जाकर मिट्टी के अंदर थोड़ा सा खड्डा खोद कर उन दोनों लोशन और सुई के साथ ही आपको खड्डे के अंदर डालकर बूर कर अच्छी तरीके से वहाँ से चुपचाप पीछे मुड़कर बिल्कुल से भी नहीं देखना है, चुपचाप आपको घर आ जाना है। कुछ ही मिनटों के अंदर आपको असर दिखने लग जाएगा, टोटका आपका कुछ ही मिनटों के अंदर सिद्ध हो जाएगा भक्तों। इसी के साथ आपका टोटका हो जाएगा और किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं होगी, वो दोनों इतने देखना कुत्ते की तरह लड़ेंगे दोनों व्यक्ति। इसी के साथ टोटका है जो सिद्ध हो जाएगा। अगर आपको टोटका समझ में नहीं आया है तो मैंने गुरुजी के नंबर आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए हैं, अगर आपको टोटका आपसे नहीं हो रहा है तो आप गुरुजी से ज़रूर संपर्क करें, उनसे आगे की जानकारी लें और ताकि वो आपको हल बताएंगे और आगे की जानकारी गुरुजी दे देंगे। गुरुजी के नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए हैं और गुरुजी से ज़रूर संपर्क करें, गुरुजी के आगे मुताबिक आपको हर चीज़ों की जानकारी देंगे, गुरुजी से आप एक बार ज़रूर संपर्क करें। जय शिव शंभू।